लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म किया था। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताया था और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट बताया था। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट का एक ही क्वेश्चन किया था, तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट के और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का जो एक ही क्वेश्चन किया था वो कौन सा था, एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, ये वाला था। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल के मिक्स क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट का, जिसमें कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वो रहा ये। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? हाँ सर। यस सर, इसको सॉल्व करो। इसमें चार क्वेश्चन है, ये चारों मिला के प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे।
आया कुछ? आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर। कुछ आया आंसर? नहीं सर, कुछ भी नहीं आया ए बी सी डी में से। चलो देखो, अ बॉम्बर फ्लाइंग अपवर्ड एट एन एंगल 53 डिग्री विद द वर्टिकल रिलीजेस अ बॉम्ब एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 800 मीटर एंड द बॉम्ब स्ट्राइक द ग्राउंड 20 सेकेंड आफ्टर द रिलीज। चलो देखो, इधर तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, मैं नहीं करने वाला, क्योंकि तुम लोग खुद जब तक नहीं करोगे सीखोगे नहीं, केवल कॉपी करने से कुछ नहीं सीखोगे। तो ग्राउंड से 800 मीटर के एल्टीट्यूड पर, मतलब ये 800 मीटर है ना, वर्टिकल से 53 डिग्री पर यू स्पीड से अगर एरोप्लेन जा रहा था तो उसी से बॉम्ब रिलीज होगा। हाँ सर। तो ये बॉम्ब वापस ग्राउंड में कहीं यहां पहुंचेगा? पहुंचेगा, बोलो ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसमें टाइम दिया है 20 सेकेंड। हाँ सर, इस पूरे प्रोसेस में टाइम लग गया 20 सेकेंड्स। तो आपसे पूछा है इसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी, इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यही सारी चीजें पूछा है। हाँ सर। यस सर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, किस स्पीड से ग्राउंड पर स्ट्राइक किया, यही चार चीजें हैं। हाँ सर। ये डायग्राम मेरे बनाने के बाद ऐसा लगता है कि कर पाओगे या मैं कर दूं? सर ट्राई करते एक बार। तो इससे पहले तक क्या कर रहे थे फिर? सर डायग्राम बना रहे थे, फॉर्मूला डिराइव करने का ट्राई कर रहे थे इसके ऊपर। कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है इसमें? कॉस 53 3/5, तो ये हो गया 3/5 u, ये हो गया साइन 53 दैट इज 4/5 u। चलो कम से कम मैं काइनेमेटिक वेरिएबल लिख देता हूं ताकि उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लो पक्के से, ये क्लियर हो जाएगा। along x along y, इनिशियल वेलोसिटी along x 4u/5, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई 3u/5, यही है। एक्सिलरेशन अलोंग एक्स 0, एक्सिलरेशन अलोंग वाई -g, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स r, जो कि मुझे ढूंढना है, शायद क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी किसी में तो ढूंढना है ना? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई ये दिया हुआ है -800 मीटर, और इस पूरे प्रोसेस का टाइम ऑफ फ्लाइट 20 सेकेंड दिया हुआ है। यस सर। अब कोशिश करो, अब चारों खुद होने चाहिए, ठीक है? कोशिश करोगे या मैं करूं? जल्दी बोलो, फास्ट करो, फास्ट जल्दी करो। आपके पास 4-1 हो रहा है,
चलो 10 मिनट का टाइम दिया, 4:10 में चारों क्वेश्चन हो जाने चाहिए।
आया कुछ आंसर? सो फर्स्ट वाला 100 पता नहीं आंसर मुझे, आप लोग देखिए जल्दी, सेकेंड थर्ड फोर्थ सब कीजिए। चलिए देखिए मैं कर देता हूं फटाफट, आंसर मिला लो। यहां से देखो, इस डेटा से मैं लिख सकता हूं -800 इज इक्वल टू 3u/5 × 20 -half × 10 × 20 square। So 12u minus 2000 हो गया ऐसा? Yes sir. Is -800 तो 12u is 8000 -2000 मतलब 6000 है ना सर? 800 था, ओ सॉरी 800 था, माय मिस्टेक, 800। सो 12u कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। यस सर 1200, हाँ यू सही बोला आपने, 100 meter per second। ये एक आंसर हो गया। बी में क्या पूछा है? हाइट पूछा, हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा? 800 प्लस ये जो छोटा वाला प्रोजेक्टाइल बना, इसका मैक्सिमम हाइट इस 800 में ऐड कर देंगे तो हमारा काम चलेगा। यस सर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? UY²/2G यही होता है, होता है ना? यस सर। यस सर। 3/5 UY²/20 हो जाएगा। U को 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 60, दैट इज 3600/20, 180, तो टोटल 980 meter। ये बी का आंसर हो गया। यस सर। सी में क्या पूछा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट बिफोर hitting ground. So UX×T, that is 4u/5 × 20, that is 16u, that is 1600 meter. Third का भी answer हो गया। Yes sir, match किया। Fourth में क्या पूछा है? Fourth में क्या पूछा है? जिस समय ये स्ट्राइक करेगा उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यही पूछा है? यस सर। तो ये वेलोसिटी जो कुछ भी होगी उसका एक्स कंपोनेंट तो जैसा था वैसा ही रहेगा। यस सर। तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल जाए तो मेरा काम चलेगा। हाँ सर। यस सर।
सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस यूज कर लेंगे. सो यू वाई थ्री यू बाई फाइव माइनस माइनस प्लस टू इंटू टेन इंटू एट हंड्रेड होगा. ए वाई एस वाई दोनों माइनस मिला के बोलो. यस सर. और ये 60 का स्क्वायर 3600 प्लस ये कितना हो जाएगा 16000 होगा. सो 19600 हो गया. हाँ सर. तो VY की वैल्यू कितनी हो गई 196. किसका स्क्वायर होता है 14. तो VY हो गया 140 मीटर पर सेकेंड. तो V हो जाएगा मेरा अंडर रूट VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर. दैट इज अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस 140 का स्क्वायर. कितना हो जाएगा बोलो. 26,000. कितना 26,000 पूरा मिला के कह रहे हो. हाँ सर. वो एडिशन बोल रहे दोनों को ऐड करोगे तो 6400. तो 26,000 हो जाएगा. सही बोला है ना. टेन और 260 का रूट जो भी होगा ये मेरा आंसर हो जाएगा है ना. एंगल भी पूछा है कितने एंगल से स्ट्राइक करेगा. पूछा है ना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों. तो कितने एंगल से स्ट्राइक किया तो टेन थीटा मेरा हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स. देखा था डायग्राम में. तो 140 अपॉन 80 तो थीटा इज टेन इनवर्स 7/4 विथ ग्राउंड. कितने एंगल पर स्ट्राइक करेगा. ठीक है फटाफट जिसने भी नहीं किया फटाफट कॉपी कर लो फटाफट कॉपी कर लो. दो मिनट का टाइम है. पहला भी देखो. सब कुछ ज्यादा ही छोटा है. सब कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया सर. हम अपने पे ज़ूम कर सकते हैं. हाँ इसमें तो कुछ है ही नहीं. जी है तो. कौन सा तुम्हें ड्राइंग करना है एग्जैक्ट कॉपी. चलिए तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. सर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ा ना हमने अब तक. नहीं
दिख रहा है अभी? हाँ सर। फर्स्ट कॉपी करो, दो मिनट में बस। हो गया? नहीं सर, फूड वाला। जल्दी करो तुम लोग, इतना आराम से मैंने इतना टाइम दिया, उसमें भी कुछ किया होगा। हो गया लास्ट वाला बीच? हो गया? जल्दी से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। दिख रहा है सबको? यस हाँ सर। फास्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट। मिनट का क्वेश्चन है, फास्ट कीजिए।
सर ऑप्शन सी है क्या? क्या बोल रहे हैं बेटा? सर ऑप्शन सी। अच्छा आंसर बता रहे हैं, हो सकता है। बाकी किसी को बोलो, और किसी को कुछ आया क्या? और किसी को कुछ आया? ऑप्शन सी। सी, दो लोगों को सी आया, और किसी को? चलो देखो इधर, यूएस स्पीड से 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो ये u cos 60 मतलब u by 2 होगा, होगा ओ भाई साहब? हाँ सर। यस सर। और ये रूट 3 u by 2 होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 30 डिग्री पर हॉरिजेंटल से स्ट्राइक किया, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है, ये स्पीड मान लो v है, तो ये v cos 30 मतलब रूट 3 by 2 v होगा, और ये v sin 30 मतलब v by 2 होगा, होगा? Yes sir। x component of velocity change नहीं होती, मतलब रूट 3 by 2 v की वैल्यू u by 2 के बराबर होगी, मतलब v की वैल्यू u बाई रूट 3 के बराबर होगी, मतलब ये वैल्यू u अपॉन 2 रूट 3 के बराबर होगी। हाँ या ना? नाउ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y रूट 3 बाई 2 u, एक्सेलरेशन अलोंग y माइनस g, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y प्लस एच, एंड फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई माइनस यू अपॉन 2 रूट 3। हाँ या ना? हाँ सर। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, कर सकते हैं? So u square by 12 is equal to 3 u square by 4 minus minus plus 2 g h, plus नहीं यहाँ minus हो जाएगा ना, acceleration minus g और displacement plus h है, तो minus 2 g h ऐसा हो गया। Yes। So 2 g h is 3 u square by 4 minus u square by 12, 12 LCM ले लोगे तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 minus 1, 8 by 12 u square is 2 gh, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, so u is under root 3 gh, यही आंसर बोला था किसी ने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ू? हाँ सर। जिसको लिखना है जल्दी 2 मिनट के अंदर लिख लीजिए। कोई तो पूछ रहा था कि पीछे वाले क्वेश्चन में डाउट है। सर क्या डाउट है सर?
फाइनल वेलोसिटी में जो एक्स एम कैसा आया, वी एक्स एम कैसा आया, उसमें डाउट है। एक्स में एक्सेलरेशन कुछ है? सब जीरो है। अब तो एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। हां सर। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स कांस्टेंट होगा। हां सर। आगे बढ़े सबने? सर एक मिनट जल्दी। हो गया सबका? यस सर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्या हो गया बेटा? सो क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन है ए बी सी डी। ओ ओके। नहीं दिख रहा है क्वेश्चन ऊपर? हाँ सर दिख। सर इनमें से कौन सा करेक्ट है, हमको ये बोलना है कि ट्रू फॉल्स पूछते जाना है? नहीं नहीं, ए बी सी डी में से कौन कौन सा करेक्ट है, कौन कौन सा रॉन्ग है, मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है। ओके सर।
सर हो गया सॉल्व। क्या आंसर आया सर? ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट आया? हाँ सर। बाकी जनता सर अब तक सर दो ही चेक किए। चलो देखो इधर सर मुझे और सी करेक्ट आ रहा है, देख लेते हैं सर। दो मिनट टाइम देना। चलो दो मिनट और दिया करो जल्दी। हो गया। चलो देखो, मान लो इसकी वेलोसिटी इनिशियल x में ux था और y में uy था, तो किसी टाइम के बाद इसका x में डिस्प्लेसमेंट ux इंटू t होगा और y में डिस्प्लेसमेंट यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा होगा? यस सर। मतलब इसका पोजीशन वेक्टर इज x i कैप प्लस y j कैप, मतलब ux इंटू टी i कैप प्लस यू वाई इंटू टी माइनस हाफ मतलब फाइव टी स्क्वायर जे कैप, ऐसा कुछ होगा पोजीशन वेक्टर? अब क्वेश्चन में जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है उससे इक्वेट कर दो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आर इज इक्वल टू थ्री टी आई कैप प्लस 4t माइनस 5t स्क्वायर j कैप, ऐसा दिया हुआ है? दिया है? यस सर। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ux की वैल्यू 3 के बराबर होगी और uy की वैल्यू 4 के बराबर होगी। So ux is 3 meter per second, uy is 4 meter per second. So total speed u is under root 3 square plus 4 square, that is 5 meter per second. है ना? और कितने एंगल पर? तो tan theta is uy upon ux, होगा ऐसा? That is 4 by 3, होगा ऐसा? तो tan theta is tan inverse 4 by 3, ये angle of projection हो गया। तो speed of projection 5 meter per second correct है, angle of projection tan inverse 4 by 3 ये भी correct है। Yes, time when particle again at x axis,
तो एक्स एक्सिस पर दोबारा कब होगा? जब वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। यस सर। तो वाई जीरो करेंगे मींस 4t इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू 4/5 दैट इज 0.8 सेकेंड्स, है ना? यस सर। ये भी सही है, ऑप्शन ए। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 2.4, तो उस समय वाई कोऑर्डिनेट कितना है, यही पूछा है, है ना? हाँ सर। एक्स 2.4 है, मतलब 8 की वैल्यू, टी की वैल्यू 0.8, मतलब वाई 0, ये भी करेक्ट है। हाँ सर। ऑल करेक्ट। हिस्ट्री क्या जैसा तुमने पढ़ता है, हिस्ट्री से भी बदतर ढंग से लिखो, पहले इसको लिखो, उसके बाद भी देखो खुद, उसके बाद भी समझ नहीं आए तो बोलना, उसके थोड़ी देर के बाद खुद बोलोगे हाँ सर समझ गया। पहले लिखो ध्यान से समझ के। लिख लिए? नो सर। जल्दी कीजिए। फर्स्ट वाला नहीं समझा। नहीं समझा, पूरा लिख लिया? सर लिख लिया। फर्स्ट वाला पढ़ो एक बार, क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। घबरा मत, तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हारा पढ़ो तो सही। नहीं नहीं बोल के पढ़ो, बोल के। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इज 2.4 मीटर व्हेन माय कोऑर्डिनेट इज 0। तो अभी जो सबसे लास्ट में डी वाला किया था उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 आया था, तो टाइम कितना आया था? 0.8 सेकंड। उस मोमेंट पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0.4। समझ गया? पक्का? बधाई हो, बोला था ना खुद समझ जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। लिख लिया सबने?
सबने लिख लिया है? यस सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। लिख रहा है? यस सर। सर 12 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द हेलीकॉप्टर, मतलब 12 मीटर पर सेकंड आफ्टर, मतलब हेलीकॉप्टर को स्पीड डिक्लेयर करने के बाद कि उसको कैलकुलेशन करना है उसके बाद में, मतलब मतलब हेलीकॉप्टर में से जो देख रहा है उसको 12 मीटर पर सेकंड दिखाई दे रहा है, समझ आया? हाँ सर। हेलीकॉप्टर में से जो देख रहा है उसको 12 मीटर पर सेकंड दिखाई दे रहा है। सर ऑप्शन ए का आंसर है क्या? और किसी को कुछ आया? सर 24। और किसी को? 72। और कुछ?
देखो इधर, सबने अटेम्प्ट कर लिया ना? यस सर। ये ग्राउंड है मान लो, कितना हाइट ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है? 180 मीटर। 180 मीटर। 180 मीटर ऊपर है, तो ये हाइट हो गई मेरी 180 मीटर। इसमें से हेलीकॉप्टर इधर जा रहा है मान लो कितने स्पीड से? 8 मीटर पर सेकंड से। और इसमें से कुछ भी खाने का पैकेट या जो भी है इमरजेंसी मेडिकल, वो इधर गया है ना? हाँ सर। हेलीकॉप्टर इधर जाता रहेगा सीधा, और ये खाने का पैकेट इधर गिरेगा, जो भी इमरजेंसी मेडिकल किट नाम है ऐसा कुछ है ना? यस सर। यस सर। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैकेट एंड हेलीकॉप्टर व्हेन द पैकेट हिट्स द ग्राउंड? तो जिस समय पैकेट ग्राउंड को हिट किया उस समय मान लो हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंच चुका, है ना? तो मुझे ये डिस्टेंस ढूंढना है, क्वेश्चन समझ आया क्या ढूंढना है? यस सर। तो अगर टी टाइम लगता है तो ये तो 8 × t होगा, होगा यस सर। और विथ रेस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये वाली वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगी। यस सर। मतलब ये वाला डिस्टेंस मेरा 4t होगा। यस सर। मतलब मेरा आंसर 12t होगा, अगर t मिल जाए तो काम चलेगा। हाँ सर। तो t के लिए 180, y में तो 0 है सर, माइनस माइनस करने के बाद माइनस 180 इज माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 360 इज इक्वल टू 10 × t स्क्वायर, सो t इज 6 सेकेंड, सो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना होगा? 12t होगा, दैट इज 72 मीटर। यही आंसर बोला था आप लोगों ने? यस सर। वेरी गुड, आगे बढ़े। तो वो 80-40 कैसे लाए वो नहीं समझा। एक्स में वेलोसिटी अगर 4 मीटर पर सेकेंड है तो टी टाइम में एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ओके सर। ओके सर। एक्सेलरेशन तो 0 है। यस सर। सिंपल कुछ। यस सर। आगे बढ़े।
आगे बढ़े। चलो एक ये क्वेश्चन करो नंबर फिफ्थ। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। कोशिश कीजिए।
हुआ कोच? हाँ सर 90 198 आंसर आ रहा तो बोलोगे आंसर आया तो बताना चाहिए, मैं रुका हूँ तब से। 1984 कुछ और पॉइंट में देख लेते हैं सर। 198.4 मतलब ऐसा कुछ आ रहा है आगे वाले। सो ये टारगेट है 1000 मीटर ऊपर एक बॉम्ब को गिराया, तो बॉम्ब की स्पीड बाय डिफॉल्ट जो एरोप्लेन की होगी वही होगी 500 किलोमीटर पर आवर। यस सर। तो गिराया तो यहाँ पर था, लेकिन ये कहीं यहाँ जाके गिरेगा तो कितने डिस्टेंस से मिस हो गया? तो इतने डिस्टेंस से मिस हो गया, यही कहानी है, है ना? Yes, sir. 500 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करोगे तो कितना होगा? 1 एक नंबर नहीं आ रहा था। 5000/36 8.8889 5000/36 ऊपर से तो मेरे x की वैल्यू हो जाएगी भाई जो भी है 5000/36 × t। अब t क्या होगा? हाफ जी टी स्क्वायर अंडर रूट 2h/g दैट इज अंडर रूट 2h कितना है 1000/g 9.8 दिया है लेने को, है ना? तो इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो 5000/36 × √2000/9.8 करके देखो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है। सर मैंने वो 2 को 9.8 से काटा तो 4.9 आया, तो मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया ना तो डायरेक्ट रूट आ रहा था सिंपल में। तो ये 4.9 अगर होगा तो ऊपर भी 10 कर दो नीचे भी 10 कर दो, तो ऊपर हो गया 10^4 मतलब उसमें से 100 बाहर आ जाएगा और नीचे ये 36 49 का 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। किलोमीटर में अगर बात करें तो 500/252 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा, होगा हाँ सर अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर 250 होता तो 252 × 500 होता है तो अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर हमारा आंसर होगा, ठीक है। ओके सर आगे बढ़े। हाँ सर। बुकलेट अगर देखोगे तो बुकलेट में काइनेमेटिक्स 1 में रिलेटिव वेलोसिटी भी लिखा हुआ है, लेकिन एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के नहीं है उसमें, वो काइनेमेटिक्स 2 में है। बट फिर भी रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा 10 मिनट बेसिक पढ़ा देता हूँ, बाकी तो काइनेमेटिक्स 2 में बहुत मिलेगा हम लोगों को। क्या हुआ? क्या जोर से बोलो सर, उसमें सब रियल प्रॉब्लम हो सब है ना? क्या प्रॉब्लम है सर, उसमें रियल प्रॉब्लम हो सब आता है ना? रियल प्रॉब्लम ये क्या है सर? रिवर प्रॉब्लम, रिवर रहता है ना, रिवर फ्लो कर रहे हैं हम लोग इस डायरेक्शन में, वो टू वो मोशन इन टू डायमेंशन में काइनेमेटिक्स 2 में मिलेगा इसके प्रॉब्लम, वही मैं कह रहा हूँ। बट बेसिक लेवल काइनेमेटिक्स 1 में दिया हुआ है तो फुर्सत है इसलिए बता देता हूँ थोड़ा।
अदरवाइज इसके प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स वन में आपको नहीं मिलेंगे. एनीवे सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर ए. ये कोई ऑब्जेक्ट है बी, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर बी. तो कोई अगर ए से बी को देखेगा तो उसको ये वाली लाइन दिखाई देगी. हाँ सर. तो इसको हम लोग कहेंगे पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी. कहेंगे ऐसा? हाँ सर. तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से आपको दिख रहा होगा आर ए बी दैट इज पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी. देखो ट्रायंगल लॉ से दिख रहा है आर ए बी में आर बी को ऐड करेंगे तो आर ए मिलेगा. यस सर. इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दो. इसको अगर हम लोग दोनों डिफरेंशिएट कर देते हैं तो d by dt of r a b is equal to d by dt of r a vector minus d by dt of r b vector. ऐसा होगा? हाँ सर. हाँ सर. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं velocity of a relative to b is equal to velocity of a minus velocity of b. लिख सकते हैं. इसको further differentiate कर देंगे तो वैसे ही acceleration of a relative to b is acceleration of a minus acceleration of b. ऐसा होगा? हाँ सर. सर ये नहीं समझा. क्या नहीं समझा बताओ? इसमें क्या नहीं समझा बताओ मुझे? वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन वाला पार्ट नहीं समझा या उससे पहले वाला नहीं समझा? क्या नहीं समझा? या पोजीशन स्टार्टिंग का पार्ट नहीं समझा? ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पढ़ा है? यस सर. बट हम लोग ने वो क्यों लिया? चुप कर, जितना पूछा उतना बोलो. पढ़ा है या नहीं? यस सर. पढ़ा है. तो अगर हम बी से ए को देखेंगे तो ए का पोजीशन बी से वो रेड वाला जो एरो है वो दिखाई देगा. यस सर. तो इसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी. हाँ या ना? Yes, sir. तो वो रेड वाला जो लाइन है आर ए बी को हम बोल दिए पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी. तो इस नाम में कोई दिक्कत नहीं? Yes, sir. आर ए पोजीशन ऑफ ए, आर बी पोजीशन ऑफ बी, इस नाम में भी कोई दिक्कत नहीं? अब ट्रायंगल ओ ए बी में देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ओ बी प्लस बी ए इज ओ ए. ओ बी प्लस बी ए इज ओ ए होगा. तो बी ए, बी ए क्या हो जाएगा? ओ ए माइनस ओ बी हो जाएगा. लिखो जो मैं बोल रहा हूं, लिख के देखो कॉपी पर, हिस्ट्री के जैसा मत सुनो. मैंने कहा ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ओ ए. अंडरस्टूड सर. सो बी ए इज ओ ए माइनस ओ बी, मतलब पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी. ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बन गया. यस
अब पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो मुझे वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी मिलेगा, मिलेगा यस सर। तो वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी वाला इक्वेशन समझ आया? यस। उसी को फर्दर डिफरेंशिएट कर दिए तो एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन भी आ गया। कोई डाउट? नो नहीं। अब देखो ये सब तो हो गया फॉर्मूला। वी ए बी का मतलब क्या होता है? फिजिकल मीनिंग मीन्स वेलोसिटी विथ विच A approaches B assuming B at rest, यही मतलब होता है ना। मतलब B से हम देखेंगे तो A मुझे VA velocity से नहीं वी ए बी वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा। यस सर। आया समझ में? यस सर। तो जब भी कभी किसी भी मोशन में हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखना होता है तो वहां पर हम लोग रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है? हाँ सर। तो ये कॉमन सेंस अगर समझ आ गया तो मुझे कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बताइए, फंडामेंटल वन डायमेंशन वाला। ऊपर वाला सेंटेंस में क्या दिखा वेलोसिटी विथ ए के बाद क्या दिखा? वेलोसिटी विथ विच ए अप्रोचेस बी अज्यूमिंग बी एट रेस्ट। अभी जो बताया वी ए बी वी ए माइनस वी बी ऐसा कुछ, इस फॉर्मूले को यूज करके ये दो क्वेश्चन बताओ, गारंटीड सबका सॉल्व होना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है।
सर फोर और सिक्स हो गया दोनों दोनों हो गया सर सेकंड कर रहा सेकंड कर रहा हूँ ठीक है ओके हो गया सबका ये कार ए है और ये कार बी है ए जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और बी जा रहा है बी कितने से जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड से तो 6 मीटर पर सेकेंड से तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर तो अपनी भाषा में 10i कैप माइनस 6i कैप दैट इज 4i कैप तो वी ए बी मेरा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन यही मतलब हुआ है ना दूसरे में पूछा है वी बी ए तो वी बी ए का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए मतलब ए पर बैठ के हम बी को देखेंगे तो बी हमें दूर जाता हुआ दिखाई देगा सो 4 मीटर पर सेकेंड माइनस आ गया मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन कोई डाउट नहीं किसी को एकदम चिंदी है हाँ सर सेकेंड वाला बताओ सर 10 सेकेंड देखते हैं 40 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर 42 31 20 80 ठीक है तो दो ट्रेन है ये ट्रेन इधर जा रही है 42 किलोमीटर पर आवर से इसका लेंथ कितना है 120 सर वन ट्वेंटी मीटर दूसरे ट्रेन का लेंथ कितना है 80 मीटर तो ये है 80 मीटर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं हाँ सर वेलोसिटी कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर तो पूछा है दोनों एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेगा यही पूछा है हाँ सर मतलब ये वाला पॉइंट जब यहाँ पहुंच जाएगा तब क्रॉस करेगा हाँ हाँ सर
इस वाले पॉइंट को अगर यहाँ पहुंचना है तो ये 120 + 80 = 200 meters का डिस्टेंस चलना होगा, है ना? हाँ सर। इसको अगर मैं ट्रेन ए कह दूं और इसको मैं ट्रेन बी कह दूं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दिस शुड बी इक्वल टू 20 meters आई कैप, 200 meters आई कैप होगा, 42 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कितना लिखेंगे? टोटल 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, तो 42 ही रहने दो, चलो किलोमीटर पर आ रही है तो क्या फर्क पड़ता है। सो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए है मेरा 42 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी है मेरा माइनस 30 आई कैप, दैट इज 72 आई कैप किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड आई कैप हो गया। बोलो। यस सर। एक्सेलरेशन जीरो, सो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट है 20 आई कैप, 200 मीटर आई कैप सॉरी, सो 200 मीटर आई कैप इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड आई कैप इनटू टाइम टी। तो टाइम हो गया मेरा 10 सेकंड। आया समझ में सबको? क्वेश्चन टू भी दिखाना सर, क्वेश्चन क्या? आया समझ में? आगे बढ़ूं? नहीं, अच्छा कॉपी करना है। ठीक है, जल्दी कर लो। अच्छा 3 ही मिनट बचा है, चलो कॉपी कर लो, जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए बाय बाय। बोलो बोलो सर, एक बार आप फिर से VAB का फिजिकल मीनिंग समझा सकते हो? फिजिकल मीनिंग मींस वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। सेकंड क्वेश्चन, वेलोसिटी विथ विच ए विल अपीयर टू बी मूविंग अज्यूमिंग बी एट रेस्ट। अज्यूमिंग बी एट रेस्ट का मतलब है कि अगर बी, मान लो ए और बी दो कार है, तो बी पर बैठ के देखेंगे तो ए की वेलोसिटी कितनी और किधर दिखाई देगी, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ए 10 से आगे जा रहा है, बी 6 से फॉलो कर रहा है, तो हम बी पर बैठ के देखेंगे तो मुझे ए 4 से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। yes, sir. हाँ, वो भी मूव हो रहा है। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, बट विथ रेस्पेक्ट टू बी ए की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है सर, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ना, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ए और बी, जो एस ए बी है, तो उसका 200 वो नहीं समझा। मान लो बी रुका हुआ है थोड़ी देर के लिए, बी अगर रुका हुआ है तो ट्रेन ए का लास्ट वाला बोगी और ट्रेन बी का लास्ट वाला बोगी, ये दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस किया।
अच्छा, तो अगर बी रुका हुआ होता तो ए को वहां तक 200 मीटर चलना पड़ता? यस सर। अगर बी रुका हुआ होता तो, लेकिन जब बी रुका हुआ होता तब तो ए की वेलोसिटी 42 होती। यस सर। लेकिन बी जब चल रहा है तब ए की वेलोसिटी 72 हो गई, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। तो बी के रेस्पेक्ट में ए 72 किलोमीटर पर आर से चल रहा है और बी के रेस्पेक्ट में ए को 200 मीटर चलना है। यस सर। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज 200 एंड वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज 72 किलोमीटर पर आर। Yes, समझा कोच? Yes, understood. Thank you. सब हो गया।